मेरे पीछे गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं आप जी, ये वही गगनचुंबी इमारत है जो नोएडा के ट्विन टावर के नाम से मशहूर हुई, जो अभी तो आप देख रहे हैं लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इसका नामो निशान आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ ही घंटों में भ्रष्टाचार की सीमेंट से बनी बिल्डिंग कुछ सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाएगी। मगर सवाल सिर्फ और सिर्फ इस टावर का नहीं है, बल्कि सवाल उन सपनों से जुड़ा है जो खुली आंखों से देखे गए थे। सवाल तो ये भी कि क्या उन बिल्डिंग पर भी हथौड़ा चलेगा जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर आज भी तन कर खड़ी हैं और प्रशासन की तरफ देख मुंह चिढ़ा रही हैं। क्या उन अधिकारियों के घर पर भी हथौड़ा चलेगा? क्या उनके अधिकारी भी जमींदोज होंगे जिनकी आंखों के सामने इस इमारत को खड़ा किया गया, इस इमारत की नींव को डाला गया और उनके ही सहयोग से इस इमारत को आसमान तक पहुंचाने में मदद मिली? क्या उन बिल्डर्स के लिए भी यह सबक होगा जिन्होंने कई सैकड़ों परिवारों के सपनों को हमेशा हमेशा के लिए जमीन दोस्त कर दिया? कहते हैं ना, ता उम्र भी जाती है आशियाना बसाने में और उन्हें तरस भी नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। मगर सवाल बस्तियों का नहीं है, यहां सवाल भ्रष्टाचार और सपनों के घर के बीच उस दीवार का है जिसकी इमारत की बुनियाद विश्वास पर कभी टिका करती थी। यह सुपरटेक ट्विन टावर आज ही चर्चा में नहीं आया, बल्कि जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से ही इसकी नींव में भ्रष्टाचार के सीमेंट का जमकर इस्तेमाल हुआ। इमारत का निर्माण तो तेजी से होता गया और उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार की बुनियाद भी मजबूत होती चली गई। पर कहावत है ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है, और यही हो रहा है। इनको बनाने वाले, इमारत के नक्शा पास कराने वाले उन लालचियों ने यह सोचा नहीं था कि जिस तेजी से इमारत के माले खड़े हो रहे हैं उससे कई गुना तेजी से यह चंद सेकंडों में हमेशा हमेशा के लिए इतिहास भी बन जाएंगे, जमीन दोज हो जाएंगे। न्यूज वन इंडिया की इस खास पेशकश में हमारे पूछे जा रहे कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि क्या भ्रष्टाचार की इमारत गिरने के बाद क्या भ्रष्टाचार का दी एंड हो जाएगा? जब ये नोएडा का टिन टावर गिरा, ये काउंटडाउन है या कुछ और? जमीन को खोखला करती उन दीमक का हम जिक्र कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के रूप में ना जाने ऐसे कितने टावर्स का निर्माण कर चुके हैं। सवाल एक, जिनके सपनों की इमारत खड़ी थी वो इमारत भी जमीन दोज होगी, जिसका जीवन इसमें लगा था वो भी धराशायी होगा, उसका जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर दो, आम जनता ता उम्र की खून पसीने की कमाई इस इमारत में लगी, लेकिन क्या जिन अधिकारियों की शह पर यह भ्रष्टाचार की दीवारें खड़ी हुई, क्या उनके घर भी धराशायी होंगे? सवाल नंबर तीन, क्या करप्शन की यह बिल्डिंग गिरने से जिनकी उम्मीदें भी धराशायी होंगी? संदेश आएगा भविष्य के लिए, लेकिन क्या ऐसी बिल्डिंग आगे भी गिरेंगी? सवाल नंबर चार, क्या उन मामलों की जांच होगी जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है? ना जाने ऐसे कितनी इमारतें होंगी जो करप्शन की जमीन पर सालों साल खड़ी हो चुकी हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है यह भी एक बड़ा सवाल है। आम जनता परेशान है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, वो भी जो इस इमारत के आसपास रहते हैं, उनका क्या कसूर? उन्हें क्यों अपने घरों से दूर जाना पड़ रहा है, आधा सामान लेकर और बहुत सारा वहीं छोड़कर? लोगों की आंखें नम हैं और सवाल ये कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? वो अधिकारी जिन्होंने इसका नक्शा पास किया या नहीं किया? जैसे उनके घर उजड़ गए, क्या उन पर भी एक्शन होगा जिन अधिकारियों की शह पर यह इमारत खड़ी हुई? ऐसा भी क्या कभी हुआ है? अब इमारत को गिराने की सारी तैयारी की जा चुकी है और ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में इतनी ऊंची इमारत को गिराया जा रहा हो। यह कम इमारत की ऊंचाई नहीं है, यह भ्रष्टाचार की इमारत की ऊंचाई है। वैसे यह काम दक्षिण अफ्रीका की कंपनी
जेट डेमोलिशन के सहयोग से किया जा रहा है। 16 साल से शुरू टॉवर की कहानी में व्यवस्थाएं सुविधाओं के हिसाब से कई बार बदलाव किए गए तो भ्रष्टाचार की बुलंद इमारत को खड़ा किया गया। मामले में करीब 10 साल पहले जो वहां के निवासी हैं अवैध टॉवर के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। हालांकि दोनों टॉवरों को लेकर करीब 13 साल पहले के आसपास टॉवरों में रहने वाले लोगों ने विरोध शुरू किया था। इसकी कहानी को गहराई से समझिएगा। तब 29 दिसंबर 2006 को पहली बार नक्शे में बदलाव कर कोर्ट सोसाइटी के टॉवर नंबर 16 का मानचित्र जोड़ देता है। 26 नवंबर को टॉवर नंबर 17 का नक्शा पास किया गया। 2 मार्च 2012 को दोनों टॉवरों की ऊंचाई 40 मंजिल और 121 मीटर की ऊंचाई निर्धारित कर दी गई। नेशनल बिल्डिंग कोड के नियम के मुताबिक दोनों टॉवरों के बीच में 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यह दूरी 9 मीटर से भी कम की रखी गई। कोर्ट सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष यूबीएस तेवतिया ने बताया कि मास्टर प्लान में टॉवर की जगह ओपन स्पेस के तौर पर दिखाया गया। यह हैरान करने वाला मामला था। साल आता है 2008, जब सोसाइटी में बिल्डर्स ने लोगों को कब्जा देना शुरू किया और 2009 में ही दोनों टॉवरों के निर्माण पर बिल्डर और प्राधिकरण से शिकायत कर नक्शा पास करने के बारे में जानकारी मांगी गई। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में दिसंबर 2012 आता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खटखटाने के लिए सोसाइटी के 600 घरों से 17,000 रुपए का चंदा लिया गया। 11 अप्रैल 2014 में प्राधिकरण ने दोनों टॉवर को तोड़ने का आदेश दे दिया। कब? 11 अप्रैल 2014 में प्राधिकरण ने कहा दोनों टॉवर तोड़ दिए जाएं। इस फैसले को सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 31 अगस्त 2021 को फैसला देते हुए दोनों टॉवर को 3 महीने में ध्वस्त करने का आदेश दे दिया, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होने से टॉवर ध्वस्त नहीं हुए। फिर आती है तारीख 10 अप्रैल 2022, दोनों टॉवरों में टेस्ट ब्लास्ट हुआ 10 अप्रैल 2022 को। इसके बाद 21 अगस्त को टॉवर ध्वस्त होने की तारीख निर्धारित कर दी गई। हालांकि एनओसी मिलने में देरी हुई। मामले में ध्वस्तीकरण एजेंसी प्राधिकरण को पत्र जारी कर 28 अगस्त तक हर हाल में ध्वस्त करने के लिए कहा गया। इसके बाद 28 अगस्त को इसे ध्वस्त करने की तारीख तय हुई। यह ऐतिहासिक तारीख। अब तक देश में ऐसा किसी भी अवैध इमारत को ध्वस्त नहीं किया गया। लोगों का संघर्ष जीतेगा। नोएडा ट्विन टावर कुतुब मीनार से बड़ी इमारत की कहानी है। 70 करोड़ में बनी 18 करोड़ में गिरेगी और देश में पहली बार 40 मंजिला दो इमारत को धराशायी किया जाएगा। 28 अगस्त को अफ्रीकन कंपनी है उसके सहयोग से दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे। दोनों टावर में 10,000 बकायदा छेद करके 4,000 किलो बारूद भरा गया है। इसे भरने में 20 दिन का वक्त लगा, बारूद को भरने में। अब लगभग 5,000 निवासियों को जब यह ध्वस्त किया जाएगा अपने घर खाली करने के लिए कहा गया था। अब यहां सवाल कहीं है। बिल्डिंग में कुल 915 अपार्टमेंट, 21 कमर्शियल शॉप, 2 बेसमेंट। इस बिल्डिंग में 1 अरब का इंश्योरेंस कवर है। 20 करोड़ तक तोड़ने का खर्चा है। 4.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बाकी मलबा बेचकर निकालने की तैयारी है सुपरटेक ने। ध्वस्तीकरण के लिए 4.5 करोड़ रुपए दिए सुपरटेक ने। 70 करोड़ रुपए खर्च किए और घर खरीदारों को 180 करोड़ रुपए जुटाए गए। यानी कि समझिएगा गेम को। सुपरटेक ने 70 करोड़ रुपए खर्च किए और घर खरीदारों से 180 करोड़ रुपए जुटा लिए। 633 फ्लैट बुक किए गए थे। ध्वस्तीकरण के बाद बेहद नजदीक करीब
150 फ्लैट ऐसे हैं जो महज 9 मीटर से करीब 30 मीटर के दायरे में आते हैं। सुपरटेक ने हमारे सिर्फ फ्लैट का इंश्योरेंस कराया है, ये वहां के निवासियों का कहना है, लेकिन हमारे घर में जो सामान है वो टूटेगा और बिखरेगा, उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। घर की खिड़की का शीशा, साबुन, कुछ नहीं बचेगा। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, टीवी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, पंखे, वॉशिंग मशीन, लेकिन जो सामान टूटेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? सामान के साथ साथ सपने भी टूटेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो ग्रीन एरिया दिखाकर नक्शा पास करा लेते हैं और आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसी कई इमारतें हैं नोएडा में ही जिन्हें देखकर डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सवाल यही कि आखिरकार किसकी शह पर और किन अधिकारियों की शह पर यह इमारतें खड़ी हो जाती हैं अपने मुनाफे के लिए? कौन है जो इन नक्शों को पास करा देता है? आखिर क्यों आम आवाम को समझ नहीं आता कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होगा? जो आपके साथ हो सकता है वो किसी और के साथ भी होता है। सवाल सिर्फ एक दिन या पैसों का नहीं है, सवाल जीवन भर की जमा पूंजी का है, सवाल है जिंदगी का, सवाल है विश्वास का। जरा सोच कर देखिएगा। और अब आखिर में इस प्रोग्राम में कुछ सवालों के साथ आपके जहन में जो सवाल होने चाहिए उसका मैं जिक्र करूंगा। भ्रष्टाचार से बनी इस इमारत से पहले क्या उन लोगों के महले जो महल हैं, उन लोगों के, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उन लोगों के महल गाड़ियों पर कब्जा किया जाएगा जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें अवैध खड़ी हैं? ऐसे अधिकारियों के ऑफिस कब गिराए जाएंगे जिसमें तसल्ली से बैठकर लोगों की बर्बादी की पूरी दास्तान लिखी जाती है? सवाल उन हुक्मरानों से भी, सवाल नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से भी। क्या जैसे आम जनता के पैसे की बर्बादी हुई, उनके महलों में रहने वाले अधिकारी जिनकी शह पर यह इमारत खड़ी हुई, क्या उनकी भी जांच होगी? उनके घर भी धराशायी होंगे? उनके घर पे भी बुलडोजर पहुंचेगा? मैडम ऋतु जी, आपसे ही यह सवाल है, किनकी शह पर यह इमारतें खड़ी हो रही हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आप अपने ऐसे अधिकारियों पर भी गाज गिराएंगी जिनके आश्रय ये महल खड़े हो गए? सवाल बड़ा है और इन्हीं सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।